हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें है एक शब्द में उत्तर देना है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखा गया है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि 1312 में आप क्या जोड़ें कि आपको मिल जाए 1400 मिल जाए। ठीक है, देखिए अब लीनियर इक्वेशन बन गया है, माने कि हमने ये संख्या जोड़ा तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपको बोला गया कि इसमें क्या जोड़ें कि आपको ये प्राप्त हो जाए, तो हमने बोला कि इसमें हमने ये जोड़ेंगे तो हमको 1400 मिल जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। लीनियर इक्वेशन का आप जब सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू प्लस की है तो उधर जाके इक्वेशन के उस साइड जाते हैं, ये इक्वल का साइन होता है, इक्वल के उस साइड जाता है तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस पे जाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई वाली डिवाइड हो जाती है, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का ये तरीके रहते हैं, यहाँ पे रूल होता है कुछ, उसको समझना पड़ता है। तो ये प्लस है, प्लस की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ बचा क्या, बॉक्स क्वेश्चन मार्क, ये इधर जाके 1400 माइनस 1312 हो जाएगा। इसमें से आप माइनस करेंगे कितना जाएगा, देखो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ 9, 9 में से 1 करेंगे फिर 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो गया ये 0, यहाँ पे आ गया आपका फाइनल 88 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 88 आपका ये आंसर सही है। अगर आपको चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप चेक भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसमें 88 यहाँ पे 88 रखेंगे और 88 को आप रख के सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 1400 आसानी से मिल जाएगा। इसमें आप ऐड करेंगे, देखें तो आएगा 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 कैरी, तो ये फिर हो गया कितना, यहाँ पे 8, 9 और 10, फिर 0 कैरी 1, 3 4 हो गया, इसके बाद में 1 का बना गया। आई होप दोस्तों आपको समझ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपये अधिक है। तो देखिए मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसमें से आपको 72 को माइनस कर देना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मोहन के पास कितना रुपये अधिक है सरला से। तो देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे है 15, 15 में 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 85 रुपये अधिक है मोहन के पास सरला से। ठीक है, तो ये 85 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया गया, 72 कंचे को 6 विद्यार्थियों में बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। देखिए 72 कंचे आपके पास हैं, 72 में से आपको 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता है कि 6 में इसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपका 6 का इसमें डिवाइड कर देना। 72 में 6 का डिवाइड जैसे ही करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, यानी कि 12 कंचे एक स्टूडेंट को मिलेंगे, यानी कि 12 मार्बल्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट को कितने मार्बल्स मिलेंगे, 12 मार्बल्स मिलेंगे, मार्बल्स यानी कि कंचे, कंचे यानी कि मार्बल। तो फोर्थ में आपको दिया गया है, यदि हीना अमीर से 2 गुनी ऊंची है तो हीना और अमीर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। कौन कौन है, एक हीना है और एक है अमीर। ठीक है, तो हीना की जो ऊंचाई बता रहा है वो अमीर के 2 गुनी के बराबर है, अमीर से 2 गुनी के ऊंची है कौन, हीना। तो यदि हम अमीर की ऊंचाई को 1 मानते हैं तो हीना की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ये फाइनल इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिया गया है सत्य सत्य है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक डायग्राम बनाया गया है, ये 3 भाग को कलर किया हुआ है और एक भाग को खाली छोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है क्या। इसको बोला है कि 3/4 है क्या छायांकित भाग, जो मतलब छायांकित भाग है वो 3/4 के रूप में आएगा क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आएगा सत्य, ये कथन आपका सत्य है, यानी कि ये सही दिया रखा है, यानी कि ये सही है। ठीक है, 3/4 है। अगर बोला जाए बताओ जो छायांकित भाग नहीं है वो कितना भाग है, इसको भिन्न के रूप में पूछा जाए, तो देखिए टोटल 4 है, 4 में से 1 भाग छायांकित नहीं है, तो ये 1/4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, 4/5 डिवाइडेड बाय 8/15। ठीक है, इसमें आपको डिवाइड करना है तो इसका आंसर 2 आ रहा है क्या, इसको सोल्व करके आपको देखना है, तो हम चेक कर लेते हैं। हमें किसी भी दो फ्रैक्शन का डिवाइड करना होता है तो जो पहला फ्रैक्शन होता है, पहला फ्रैक्शन को हम वैसे वैसे लिखते हैं और सेकंड वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, मतलब इसको उल्टा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 8 5 5 5 3 15, यानी कि आ रहा है 3/2 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए 3/2, पर इसका आंसर आ रहा है 2, ये जो कि बराबर नहीं है, इसका आंसर गलत है, यानी कि ये असत्य है। सेकंड वाला असत्य है, फर्स्ट वाला सत्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की। नंबर 5th में आपको दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है, यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत कितनी होगी। यानी कि अगर हम माने कि जो साइकिल की कीमत हमें पूछा जा रहा है, साइकिल की कीमत जो माना जाता है उसी को, जिस जो पूछा जाता है उसी का हम वैल्यू को मान लेते हैं। माना कि साइकिल की कीमत कितनी है, माना कि साइकिल की कीमत कितनी है, 1 रुपये है,
तब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी, वो बोल रहा है मोटरसाइकिल की कीमत 2x बराबर, मैं सॉरी 10 दे रखा है ना, यहाँ पे 10 गुने 10 गुने के बराबर जो साइकिल कीमत है, अगर वो एक्स रुपये है तो उसके 10 गुने में उसमें 10 में गुणा कर देते हैं तो हमको जाती है मोटरसाइकिल की, और मोटरसाइकिल की कीमत हमें दे रखा है कितना है, 60,000 रुपये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है 60,000 रुपये, अगर तो बताइए साइकिल की कीमत कितनी होगी, एक्स का मान निकालेंगे तो साइकिल की मूलत साइकिल हो जाएगी, यहाँ पे हमारा साइकिल है, ठीक है, साइकिल, ये साइकिल की कीमत हमने क्या माना है, एक्स रुपये हमने माना है, ठीक है। तो अगर हम अब निकालना है साइकिल की कीमत बताओ कितना है, तो यहाँ पे 60,000 दे रखा है मोटरसाइकिल का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, ये मल्टीप्लाई में इक्वेशन के उस साइड जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 60,000 में आप डिवाइड कर दो 10 का, तो कितना जाएगा, 6,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6,000 आपका आंसर आ जाएगा, ये 6,000 आएगा साइकिल की कीमत, साइकिल कीमत कितनी हो गई भाई, ये साइकिल कीमत हो गई 6,000 रुपये, ठीक है। नंबर सेकेंड में आपको दिया गया है 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको दिया है 5728 में आपको बताना है कि 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान अगर आपको बताना है तो 7 × यूनिट प्लेस 10th प्लेस 100th प्लेस, यानी कि इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये 700, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। पर थर्ड में आपको पूछा गया है कि 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त होगा, देखो 3/5 में से 1/5 को, 3/5 में 1/5 को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, तो एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 में से 1 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको बोला गया है कि 50/7 में शेषफल का मान होगा, 50 में आपको 7 का भाग देना है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको बताना है, तो 7 का टेबल आप पढ़ेंगे 7 × 7 = 49, यानी कि रिमाइंडर कितना बच जाएगा भैया, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, क्योंकि 7 × 7 = 7 बार में पूरा कंप्लीट डिवाइड चले गया, 49 आ गया, तो उसमें बचा कितना 1, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, यानी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, 50 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 = 49, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका 1 रिमाइंडर हो गया। ये आपको डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आपको 2/3 भाग शेडेड करना है, इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि 2/3 को आकृति में छायांकित करके व्यक्त करना है, इस आकृति में आपको 2/3 भाग को शेडेड करना है, यानी कि आप इसको कैसे करेंगे 2/3, इसमें 2/3 भाग को आपको शेडेड करना है, यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पे टोटल बताया जा रहा है 6, बट यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पे जो 3 टोटल अगर 3 है तो उसमें से 2 भाग कलर किया गया है, बट इसमें अगर 3 दिख रहा है और हमारा यहाँ पे टोटल कितने ब्लॉक है 6 है, तो इसको 6 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई है 2 का, तो ऊपर का भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 4/6 हो गया, अब 4/6 हो गया तो यानी कि टोटल 6 है, 6 में से आपको 4 कलर करने हैं, तो 1, 2, 3, ये 4, यानी कि 4 ब्लॉक को आपको कलर करना है और 2 बच जाएंगे, तो कितना होगा ये हो गया 4/6 पार्ट हमने कलर कर दिया। तो आपको दिया गया है 1234 को हमें प्रसारित यानी कि एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इसको समझेंगे, देखिए 1 कौन से प्लेस पे है, यूनिट 10th 100 1000 प्लेस पे है, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 कौन सी प्लेस पे है, यूनिट 10th 100 प्लेस पे, तो यानी कि 100 का मल्टीप्लाई, इसके बाद में 3 कितने प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, यूनिट 10th, तो ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद में हमें 4 कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा एक्सपांडेड फॉर्म, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 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 करने के बाद में इनको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1234, ये आंसर हो जाएगा 1234 का, ये एक्सपांडेड फॉर्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी, देखिए 4 पेनों का कीमत कितना दे रखा है 20 रुपये, तो एक पेन की कीमत कितना हो जाएगा, 4 का इसमें आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगी एक पेन की कीमत, इसमें अगर आप 15 पेनों की कीमत निकालना तो आप डायरेक्ट इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4×5 = 20, तो हो गया 15×5 = 75, यानी कि 5 × 15 कितना हो गया 75 रुपये, ठीक है, 15 पेनों की कीमत कितना हो जाएगा 75 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, संख्या 532 में क्या घटाया जाए कि 452 प्राप्त हो जाए, माना कि 532 में
हम क्या घटा देते हैं, x को घटा देते हैं, हमने माना कि x घटा देते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, 452 मिल रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे आप डायरेक्ट 532, इसके माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो ये होगा x बराबर कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 में 2 माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 13, यहाँ पे गया 13, 13 में से आप 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 उधर 2 इधर, यानी कि 9 हो जाएगा, और ये 4 एक यहाँ 4 ये 0 हो गया, यानी कि 90 आ जाएगा आंसर, यानी कि 532 में से आपको माइनस करना है 452 तो आ जाएगा 90, ये आंसर हो जाएगा। हमने माना कि वो संख्या क्या थी, x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी कि ये 90 वैल्यू आ गया, ठीक है, ये x की वैल्यू आई है तो ये आपका 90 आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 90। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है किसी संख्या में 126 जोड़ने पर वह 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है कि भैया आपको कोई संख्या है, किसी संख्या में माना कि वो संख्या क्या है x, x में हमने क्या जोड़ा है 126 को जोड़ा है, तो कितना प्राप्त हो जाता है 676 हमको मिल जाता है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा x, इधर प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा, 676 में से 126 को माइनस कर लेंगे, 6 में 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे 7 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि 550 इसका आंसर हो जाएगा। माना कि वो संख्या क्या है हमारी, वो संख्या हमारी x बराबर कितना आ गया 550, माना कि संख्या कितनी थी x थी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 550, यानी कि इस वाले संख्या में 550 में आप 126 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 676। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है हमको 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, 676 होता है माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, इसको आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 6 में 6 माइनस करेंगे 0, यानी कि कितना हो गया 51 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। स्क्वायर होते हैं स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको स्क्वायर 30 तक तो यानी ये होना चाहिए, देखा 20 का कितना होता है 20 का होता है 400, 21 का होता है कितना हो जाएगा 441, 441 484, इसके बाद में 529 529 576 625 676 729 784 841 ये 900, ये हो गया 21 का, ये हो गया 22 का, ये हो गया 23 का, ये हो गया 24 का, ये हो गया 25 का, ये हो गया 26 का, और ये हो गया 27 का, ये हो गया 28 का, ये हो गया 29 का, और ये हो गया 30 का। ये 30 तक का स्क्वायर है जो कि मैंने आपको अभी बता दिए लिख के, ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए 30 तक स्क्वायर कम से कम आपको याद होने चाहिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दे रखा है कि किसी संख्या में 12 से भाग करने पर भागफल 24 तथा शेषफल 2 है, तो संख्या बताइए क्या होगी। संख्या हमको बताना है भैया, संख्या क्या होगी, माना कि किसी संख्या में x का कोई संख्या है, उसमें हमने किसका भाग दिया है, उसमें आपने 12 का भाग दिया है, और आपको भागफल मिला है 24 मिला है, और साथ ही साथ में यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिल गया है, यानी कि यहाँ पर जो माइनस करते हैं आप, इसके बाद में शेषफल आपको 2 दे रखा है, तो पूछा जा रहा है ये x की वैल्यू, तो ये x बराबर क्या होता है 24 12 में 24 का मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपको इसमें 2 का ऐड करना है, ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और साथ ही साथ रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है, तो आपका आ जाता है ये वाली वैल्यू, यानी कि ये होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला, आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है भाज्य और ये है भाजक और ये है भागफल, भागफल और ये है शेषफल, ठीक है, शेषफल को सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 548 के 8 4 12 12 1 24 24 25 26 26 27 28, यानी कि ये हो जाएगा 28 प्लस 2 कितना होगा ये 28 ये 90, ये हो गया 290 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी क्या हो जाएगा, यानी कि 290 में अगर आप 12 का डिवाइड करते हैं तो भागफल आएगा 24 और शेषफल आएगा 2। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।